और इधर बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पहचान पत्र बनाने वाले कई ई मित्र केंद्रों पर रेड डाली और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया। उनका दावा है कि राजस्थान में धड़ल्ले से बाहरियों का पहचान पत्र बनाया जा रहा है, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उनका दावा यह भी है कि राजस्थान में बीते कुछ सालों में 18 से 22 हजार फर्जी पहचान पत्र बनाकर फर्जी वोटरों की संख्या बढ़ाई गई है। देखिए सारा जयपुर शहर में बांग्लादेशियों के अनगिनत कार्ड 500,000 रुपए में बनाए जा रहे हैं फर्जी तरीके से। राजस्थान में फर्जी आईडी बनाने का रैकेट। मेरा स्वभाव खराब है, जितना होशियार बनेगा ना, जितना होशियार बनेगा उतना गड़बड़ होगी। दुकान खुलवाओ इसकी। 500 रुपए में फर्जी आधार बनवाओ। आधार कार्ड बनता है 500 रुपए, आधार में राशन कार्ड बनता है और साथ में आपको आयुष्मान कार्ड मिलता है। डबल पैसे दो, फर्जी पासपोर्ट बनवाओ। क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है और एक ही बना रहा है तेरा। क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है, फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है। आईडी एक नहीं 8-10 फर्जी पहचान पत्र बनवाओ। और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने हैं, 10 कार्ड बनवाने हैं। हमने लाइव उनको सुना है और वो कह रही है पैसे कितने लोगे, तो कहा डबल लगेंगे पहले से। राजस्थान की राजधानी जयपुर में फर्जी पहचान पत्र बनाने का रैकेट चल रहा था और प्रशासन को कानों कान खबर तक नहीं थी। फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले रैकेट की भनक राजस्थान की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को जैसे ही लगी, वो फौरन एक ई मित्र केंद्र पर पहुंच गए। वहां पहचान पत्र बनाने में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद बाल मुकुंद आचार्य ने आसपास के कई और ई मित्र केंद्रों पर छापेमारी की और कागजातों को खंगालने के बाद दावा किया कि जयपुर में बड़े पैमाने पर बाहरियों के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के भी फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। काफी समय से एक शिकायत थी कि एक व्यक्ति आधार कार्ड बनाता है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का। आज यहाँ आए तो पता चला यूपी, बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने हैं, 10 कार्ड बनवाने हैं। हमने लाइव उनको सुना है और वो कह रही है पैसे कितने लोगे, तो कहा डबल लगेंगे पहले से। कह रही कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे, कार्ड बना दो हमारे आधार। एक तो ये बना रहा है कार्ड। क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है और एक ही बना रहा है तेरा। क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है, फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है। आईडी बांग्लादेशों की ये बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार की बना रहा है। और ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? हैं? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा, आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में। सड़क से पुलिस थाने तक बाल मुकुंद आचार्य ने जमकर बवाल काटा। इस छापेमारी को उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज पर लाइव दिखाया। बाबा को एक्शन में आया देख पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया। पुलिस ने बाल मुकुंद आचार्य के आरोप पर 3 लोगों को फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में हिरासत में ले लिया। भैया गिरफ्तार करो, फर्जी आधार कार्ड बना रहा था, लाइव पकड़ा इसको हमने। और महिला ने फोन पे कहा 6 कार्ड बनाने, बना दोगे? मैं कहा हाँ बना देंगे। ये आपकी आवाज लग नहीं रही मुझे आज, कोई कह रही है जितने कार्ड जिसको चाहिए झांकी को यहाँ बनाता है। ये बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि उन्हें कई दिनों से लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वोट बैंक का गणित बिगाड़ने के लिए फर्जी तरीके से समुदाय विशेष के लोगों को जोड़कर उनके नाम पर सरकारी दस्तावेज तैयार कर बसाया जा रहा है। विधायक का आरोप है कि फर्जी पहचान पत्र बनाने का काम समुदाय विशेष के लोगों के जरिए चलाया जा रहा था। उनका सीधा आरोप था कि पूरे जयपुर में फर्जी पहचान पत्र बनाकर 18,000 फर्जी वोटर तैयार किए गए हैं, जो कि बाहरी हैं, बांग्लादेशी हैं या फिर दूसरे राज्यों से आए विशेष समुदाय के लोग हैं।